Assalamualaikum my YouTube family, this is Akila Moin. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope सब ठीक ठाक होंगे. तो जी आज की जो मेरी वीडियो है, मैं आपके लिए लाई हूँ समर के लिए बेहतरीन तोहफा, बेहतरीन गिफ्ट जो कि आपकी पूरी गर्मियों में आपके बहुत काम आने वाला है. तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा. तो जी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. तो जी समर के लिए बेहतरीन जो मैं गिफ्ट आपके लिए लाई हूँ वो क्या है, वो है ये अवालीन के 4D बीबी क्रीम. आप इसको देख सकते हैं, अवालीन की 4D बीबी क्रीम. जस्ट ओनली ये बीबी क्रीम नहीं है, ये फाउंडेशन का काम भी करती है. ये मल्टी फंक्शन है इसके अंदर. हुआ यूं कि मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, तो मैंने सोचा कि अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, हम सर्दियों में जो है हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. अब गर्मी आ रही है तो जाहिर सी बात है स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा, हमें काम भी करना होता है, हमें मेकअप भी करना होता है, तो उस हिसाब से क्या चीज़ ऐसी है जो बेस्ट रहे. तो मैं इसकी सर्च में थी कि मुझे कौन सी बेस्ट फाउंडेशन, कौन सी बीबी क्रीम, और बहुत सारी मोस्टली गर्ल्स का यही सवाल होता है, बेस्ट बेस बता दें आप भी और बेस्ट फाउंडेशन बता दें. तो जी मुझे एवेलिन के बारे में मैंने बहुत सुना था लेकिन मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया था, और अब जो है मैंने इसको ट्राई किया और 10 डेज से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ. बिलीव मी ऑनेस्टली रिव्यू. सबसे पहले मैं आपको इसकी क्वालिटीज बता दूँ. क्वालिटीज इसकी ये है कि जी ये बीबी क्रीम है, मतलब आप इसको नॉर्मली कैजुअल यूज कर सकते हो, मतलब एज नॉर्मल रूटीन में आप इसको यूज कर सकते हो, आप घर में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, और जो ऑफिस गर्ल हैं, जो यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं, जो कॉलेज गर्ल्स हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकती हैं. उसकी रीजन ये है कि ये बिल्कुल बेबी फेस इफेक्ट देती है, बेबी फेस इफेक्ट देती है. उसके अलावा आपने फाउंडेशन फेस पर अप्लाई की हुई है. दूसरी इसकी क्वालिटी है कि इसमें SPF 15 ऐड है. SPF 15 क्या है कि जो सूरज से आपकी जो स्किन है आपके फेस को प्रोटेक्ट करता है, ये भी क्वालिटी इसके अंदर ऐड है, जो हमें हर हाल में गर्मियों में चाहिए होती है. इसके अलावा ये पोर्स को मिनिमाइज भी करती है. तो इतनी सारी क्वालिटीज थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए. अच्छा जब मैंने इसको ट्राई किया तो ऑनेस्टली मैं इसको रिव्यू दूँ, मुझे मैंने जब इसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मैं शॉपिंग पर गई, मार्केट गई, मार्केट में काफ़ी रश था, गैदरिंग थी, ऑलमोस्ट मुझे 3 और 4 और हो गए और उसके बाद मैं आई, और जब मैंने आकर अपना फेस देखा तो बिलीव मी मेरा फेस बिल्कुल फ्रेश था, बिल्कुल फ्रेश था मेरा फेस, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले ही इसको अप्लाई किया है. इसको अप्लाई करने से एक तो फेस फ्रेश हो जाता है, फेस ग्लो भी करता है. बहुत बेस्ट है यार, बहुत बेस्ट है. तो जी ये जो है इसकी पैकिंग थी, बहुत अच्छी इसकी पैकिंग है, और ये मैं आपको दिखा दूं. अच्छा इसको अप्लाई कैसे करना है, अभी मैं फेस पर तो अप्लाई, कभी मैं अभी जो है मेकअप की कोई वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसी के साथ आपको जो है नो मेकअप लुक करके दिखाऊंगी. तो बिल्कुल अभी मैं अपने आप हाथ पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ. अच्छा जी ये मैंने अप्लाई की है, ये थोड़ी सी ली है मैंने, बिल्कुल इतनी सी. इसी तरह से आपने लेनी है फेस के ऊपर, और ये जी मैंने अप्लाई कर दी, और इसके बाद इसको हम कर देंगे ब्लेंड. बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने कोई फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, बिल्कुल हाई कवरेज या बहुत कुछ बहुत ज्यादा मेकअप लगा लिया है, बिल्कुल लाइट सी. और ये देखें कितना अच्छे से ब्लेंड हो गई है, कितनी अच्छे से ब्लेंड हो गई है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि आपने कोई फाउंडेशन अप्लाई की है. ये देखें बिल्कुल स्किन के साथ. और उसके बाद मैं एक और चीज आपको बताऊं कि इसको मैं यूं भी कर रही हूं ना तो बिल्कुल भी ये खराब नहीं हो रही, और बिल्कुल ड्राई हो गई है, बिल्कुल ड्राई. ये देखें कोई ऑयल नहीं आ रहा फेस के ऊपर, मतलब कि ऑयल नहीं आएगा फेस के ऊपर, स्वेटिंग नहीं होगी, ये फौरन से ड्राई हो जाती है. और गर्मियों में हमें स्पेशली वो फाउंडेशन, वो बीबी क्रीम या वो कवरेज चाहिए होती है जो फेस के ऊपर स्वेटिंग ना हो, फेस के ऊपर ऑयल ना आए बहुत ज्यादा, फेस ऑयली ना हो जाए, जो लॉन्ग टाइम तक स्टे करे. सबसे पहली बात कि डेली रूटीन में फाउंडेशन अप्लाई करने से, बेस अप्लाई करने से आपकी स्किन खराब होती है, आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट आ जाते हैं.
और वो हम उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मली गर्मियों में जब भी आप कहीं आउट निकलें तो बिल्कुल लाइट सा मेकअप करके निकलें, क्योंकि गर्मियों में जो है बहुत मुश्किल होता है कि कोई फाउंडेशन कोई बेस आपके फेस पर स्टे करे। उसके लिए ये बेस्ट है कि ये एक तो नॉर्मली आप कैजुअल यूज कर सकते हैं और बिल्कुल ड्राई हो जाती है, सेटिंग नहीं होने देगी। एमल की ये ट्यूब है जिसके अंदर ऐड है, ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बिलीव मी होनेस्टली रिव्यू दे रही हूं, मैं हमेशा रिव्यू खुद पर अप्लाई करने के बाद यूज करने के बाद ही देती हूँ और होनेस्टली रिव्यू देती हूँ। और जो चीजें अच्छी निकलती हैं ना मैं उन्हीं के रिव्यूज देती हूँ। गर्मी आने वाली है तो मैंने गर्ल्स आपका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है, गर्मी आने से पहले ही सॉल्व कर दिया है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व है, इसको यूज करें। और इसकी जो प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा। गर्मियों के लिए बेस्ट 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 है, तो जी जल्दी से जाएं और इसको बाय कर लें। अकीला मोइन के कहने पर क्या याद करेंगे। तो जी ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, छोटा सा रिव्यू था। आई होप सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।